Now, I want to explain the Q factor or the quality factor. All right? I want to explain that. Q factor or the quality factor. What is this? क्वालिटी फैक्टर क्या है ये देखो हम लोग सबसे पहले कंसिडर करें ई स्क्वायर पहले तो हमने यहां पर कहा है एक मिनट क्यू फैक्टर अगर हम डेफिनेशन के अनुसार लिखें तो ये क्या होना चाहिए वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल और सी डिवाइडेड बाय अप्लाइड H. यही है क्वालिटी फैक्टर का ही डेफिनेशन हुआ ऑब्वियसली वोल्टेज अक्रॉस एल और सी एट रेजोनेंस मैंने वहां पे लिखा है एट रेजोनेंस ठीक है चूंकि मैं रेजोनेंस कंडीशन को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं इसलिए एक बार बिफोर आई कम टू दिस पॉइंट लेट अस सी दिस अप्लाइड वोल्टेज क्या है ई स्क्वायर यह अप्लाइड वोल्टेज है ई इज द अप्लाइड वोल्टेज ठीक है ना is the actually is the applied voltage that we are knowing applied voltage wo kya hoga e square is equal to vr square plus vl minus vc whole square vc minus vl bhi ho sakta hai resonance condition par kya ho jayega xl should be equal to xc xl ka value xc ke barabar hoga I xl ixc ke barabar hoga यानी VL VC के बराबर हो जाएगा यानी E स्क्वायर VR स्क्वायर के बराबर होगा और E इज इक्वल टू VR के बराबर होगा यानी एक जरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला क्या पॉइंट पता चला हम लोग देखें कि एट द टाइम ऑफ द रेजोनेंस अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्योंकि ऑब्वियस है क्योंकि ये दोनों तुम्हें याद होगा हम लोग जब इसका डायग्राम ड्रॉ करते VL और VC दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों अगर इक्वल है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन तो जीरो हो गया इसलिए सिर्फ ये इसके बराबर हो गया यानी E इज इक्वल टू VR यानी हम लोग अब क्या लिखेंगे व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर वोल्टेज अक्रॉस L और C एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाई अप्लाइड वोल्टेज इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं Q फैक्टर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल वी एल ओके बाय वी एल एट रेजोनेंस वी एल एट रेजोनेंस बाय वी आर यानी हम लिख सकते हैं यहां पर वी एल क्या होगा आई इंटू एक्सएल बाय आई इंटू आर ये कैंसिल होगा एक्सएल क्या लिखाएगा ओमेगा नॉट इंटू एल क्योंकि तुम रेजोनेंस ले रहे हो रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा सिर्फ नहीं दिखाएगा ओमेगा इन ट्वेल्व होता है ओमेगा नहीं दिखाएगा ओमेगा नॉट इन ट्वेल्व होगा डिवाइडेड बाय आर दैट मींस आई कैन राइट एल बाई आर को तुम यू ही रहने दो एल बाई आर को तुम यू ही रहने दो और ओमेगा नॉट की जगह पर तुम लिखो रूट वन बाई एल सी या तुम लिख सकते हो वन बाई आर रूट देखो ये होगा वन बाई आर रूट एल बाई सी या लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो क्यू फैक्टर इक्वल टू वी सी भी तो लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस एल और वोल्टेज अक्रॉस सी में कहता हूं तो वी सी एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय यानी ये क्या हो जाएगा आई इंटू एक्सी बाई आई इंटू आर आई आई कैंसिल हो जाएगा तब ये क्या लिखाएगा वन बाई ओमेगा नॉट इंटू सी इंटू आर है ना वन बाई ओमेगा सी लिखते हैं एक्सी कौन बाई ओमेगा सी लिखते हैं यानी इसको मैं क्या लिखूंगा इसके बाद वाले स्टेप में वन बाई सी आर भी रहने दो और ये क्या लिखाएगा सिर्फ एल सी रूट वन बाई एल सी लिखा था तो सिर्फ एल सी यानी ये क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा देख लो ये भी बन जाएगा देखो सी और सी यहां से कैंसिल होगा वन बाई आर रूट एल बाई सी दैट मीन्स हैव यू अंडरस्टूड क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू चाहे मैं क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू चाहे मैं ऊपर वाला एक्सप्रेशन उसको लो या
मतलब हुआ चाहे मैं अक्रॉस एल को कंसीडर करूं या अक्रॉस सी लेके कंसीडर करूं, क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू दोनों ही केस में आता है 1 बाई आर रूट एल बाई सी। यानी देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है, इन केस ऑफ द रेजोनेंस एल और सी कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज वेरी क्लियर, बिकॉज हम लोग जानते ही हैं 1/√LC होता है वैल्यू, तो एल और सी को तो हम टच नहीं कर सकते, वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो एल और सी को मैं टच नहीं कर सकता हूं। यानी क्यू फैक्टर क्या हो रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, समझ गए, क्यू फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आर जैसे जैसे बढ़ेगा शार्पनेस वैसे वैसे घटेगा। इसका मतलब हुआ मैं अगर एक ग्राफ ड्रॉ करूं, शार्पनेस जैसे जैसे है ना, रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा शार्पनेस वैसे ही घटेगा। इसका मतलब हुआ अगर मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ करूं आई वर्सेस ओमेगा का, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं ओमेगा और न्यू जो भी तुम कह लो, आई वर्सेस न्यू और आई वर्सेस ओमेगा का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ इस तरह का आएगा। देखो देखो मैं तीन ग्राफ दिखा रहा हूं, कैन यू सी, जो ग्राफ सबसे नीचे वाला है ये स्मॉल करंट दिखा रहा है, यानी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको R1 मानता हूं, इसको R2 मानता हूं, इसको R3 मानता हूं, तो बहुत क्लियर है R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, वेरी क्लियर। क्यों तुम बोलोगे कैसे इसे समझे, क्योंकि करंट कम दिखा रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से ही करंट कम दिखेगा, तो जरूर रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, उससे कम, ठीक है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा शार्पनेस कम होगा, शार्पनेस सबसे ज्यादा किस में, R3 में, R3 है सबसे कम मिनिमम, ये अंतर देख लो, दिस इज रिगार्डिंग द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। डियर स्टूडेंट्स, आई होप विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस alternating current circuits and alternating current chapter, because one topic I am leaving because in the syllabus it has been omitted this year, that is the power of the AC circuit and wattless current. Power of AC circuit tum dekh loge ek baar dekh lena, power hai na, power of AC circuit ye ek and दूसरा वाटलेस करेंट है ना, ये दो चीज हटा दिया गया है सिलेबस से, ये दोनों चीज दे हैव बीन एक्चुअली ओमिटेड, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस टू, अंडरस्टूड। सो वंस अगेन आई विल वंस रिव्यू, आई होप वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एज फार एज थियरी पार्ट इज कंसर्न्ड, ठीक है ना। तो ये हुआ, दिस इज रिगार्डिंग टुडेज होल थिंग, ओके, थैंक यू।